दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL में आई हुई वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट जूनियर इंजीनियर क्रू कंट्रोलर के लिए जो है वैकेंसी आने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन बताएंगे कौन कौन सी ब्रांच जो है एलिजिबल है और क्या ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आया हुआ है इनकी तरफ से। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद है जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल में दोस्तों ढेर सारी वैकेंसी मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों हाल में ही हमने जो है NPCIL के रिगार्डिंग पे स्लिप, जो एक्चुअल पे स्लिप होती है, कितना सैलरी मिलती है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना रखा है, तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने बहुत डिटेल्स सिलेबस भी आपको जो है बता रखा है। तो ये सब वीडियोस देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल में आपको प्राइवेट जॉब से रिगार्डिंग और भी बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं DFCIL में आए हुए नए अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों जो DFCIL है उसके रिगार्डिंग जो है नया अपडेट ये आया हुआ है कि हमने जो है RTI फिलअप कर रखा था और इसके रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो बना रखा था जिसमें हमने बात किया था कि यहाँ पे जो है वैकेंसी आने वाली है। तो जैसा कि RTI में अभी मैंने जो किया था तो 4 तारीख को RTI उसका जो है रिप्लाई आ चुका है। तो इसमें रिप्लाई में दोस्तों ये बताया गया है कि आपकी जो जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जहाँ पर ITI डिप्लोमा BTEC के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों सिविल ब्रांच के लिए 310 सीट आने वाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए 210 सीट और स्टेशन कंट्रोलर के 417 सीट, 442 दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर के लिए यहां पे वैकेंसीज आने वाली है। देन दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पे लगभग देख सकते हैं नंबर ऑफ दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जो है इस साल ये आने वाली है। तो आप जो है इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। RTI में साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है इस साल आ जाएगी और कब आएगी ये डेट नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में जो है ये जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ये जो ALP की वैकेंसी है ये टू बेगन होने वाली है। तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका आया हुआ है डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए और जो BTEC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो ऐसा मौका चूके मत दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को देनी थी, ये ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आया हुआ है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस ईयर जो है आप श्योर है, मेरे तरफ से श्योर है कि आप जो है एक अच्छी सी जॉब पा जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको हमारे चैनल में ढेर सारी वैकेंसीज मिलती हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है हमारे अपडेट किए वीडियोस भी देख सकते हैं, तो वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाकी वैकेंसीज के लिए आप जो है quicktechd.com को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है।